दोस्तों रेडमी ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया रेडमी 8A फ़ोन को इंडिया में, और प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इस प्राइस पर जो स्पेसिफिकेशन दे रहा है दूसरा किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है। तो रेडमी का तरफ से और एक फ़ोन आने वाला है, 9 अक्टूबर को रेडमी 8 फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी 8 और रेडमी 8A फ़ोन का बारे में। ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर है और ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर होगा, कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, अगर आपको कोई कंफ्यूज हो रहा है ये दोनों फ़ोन को लेकर, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। इस वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूँ आपका सभी कन्फ्यूज़ दूर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर मोबाइल नहीं है, मैं ओनली स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रही है। तो रेडमी 8A फ़ोन में बुकिंग कर दिया हूँ, ये बहुत ही जल्दी मेरे पास आ जाएगा। अगर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए तो आप लोग कमेंट करके नीचे बता सकते हो, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो ला लूँगा, ये बहुत ही जल्दी मेरे पास आ जाएगा। मैं बुकिंग कर लिया हूँ ऑलरेडी, आने के बाद में आप लोगों को अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगा रेडमी 8A फ़ोन का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं रेडमी 8A और रेडमी 8 फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, क्या अंतर है ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पर डिस्प्ले से शुरू करते हैं। रेडमी 8A फ़ोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.22 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया, और इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 फ़ोन तो इसमें डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.26 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया जाएगा, और इसमें भी एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया जाएगा, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आएगा, और इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये दोनों फ़ोन का डिस्प्ले में ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला, ये दोनों फ़ोन का डिस्प्ले सेम ही होगा, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा डिस्प्ले में। और ये दोनों फ़ोन का कैमरे का बात करें तो रेडमी 8A फ़ोन में सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, और ये सोनी का सेंसर यूज़ किया गया, सोनी IMX363 सेंसर दिया गया, ये काफ़ी अच्छा सेंसर है। पोको F1 फ़ोन में भी सेम सेंसर देखने को मिल जाता है, और इसमें LED फ्लैश दिया गया है, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 फ़ोन तो इसमें डुअल रियर कैमरा दिया जाएगा, जो प्राइमरी सेंसर होगा 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया जाएगा, और वही सेम सेंसर इसमें यूज़ किया जाएगा, सोनी IMX363 सेंसर इसमें भी दिया जाएगा। दोनों फ़ोन का जो रियर कैमरा में जो मेन सेंसर है सेम ही होने वाला है, और इसमें जो सेकेंडरी कैमरा दिया जाएगा रेडमी 8 फ़ोन में ये 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया जाएगा f2.4 अपर्चर का साथ में। और ये दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो दोनों फ़ोन में सेम सेल्फी कैमरा दिया गया, 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर का साथ में दोनों फ़ोन में सेम सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा में कोई LED फ्लैश नहीं मिलता है। तो यहाँ पे रियर कैमरा में बाजी मान लेता है रेडमी 8 फ़ोन, इसमें डुअल रियर कैमरा मिल जाएगा। और ये दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस का बात करें तो रेडमी 8A फ़ोन में प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। उसका GPU का बात करें तो एड्रेनो 505 GPU दिया गया, और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 फ़ोन तो इसमें भी सेम प्रोसेसर दिया जाएगा, सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ऐसे लीक्स के थ्रू पता चल रहा है सेम प्रोसेसर इसमें भी यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसमें अपग्रेड करना चाहिए था, अपग्रेड 600 सीरीज़ का प्रोसेसर देना चाहिए था। रेडमी 7 फ़ोन में 632 प्रोसेसर दिया गया, तो इसमें क्यों डाउनग्रेड कर रहा है पता नहीं रेडमी वाले क्या कर रहा है, और इसमें अपग्रेड वर्जन दिया जाएगा या नहीं ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लीक्स के थ्रू पता चल रहा है। इसमें स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा, इसका क्लॉक स्पीड होगा 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलेगा, और GPU सेम दिया जाएगा 505 GPU देखने को मिलेगा। और ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। और ये दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और यूज़र इंटरफेस का बात करें तो दोनों फ़ोन में MIUI 10 दिया गया, MIUI 10 मिल जाता है। और दोनों फ़ोन का वारंट का बात करें तो रेडमी 8A फ़ोन 2 वारंट में आता है, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज और एक आता है 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और इसमें 512 GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 फ़ोन तो इसमें 3 वेरियंट देखने को मिलेगा, 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज और एक आएगा, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज और एक आएगा, 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इसमें भी 512 GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, 512 GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट इसमें भी मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फ़ोन में सेम बैटरी मिल जाता है, दोनों फ़ोन में बैटरी में भी कोई डिफरेंस नहीं है।
दोनों फ़ोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो दोनों फ़ोन में 18 W का क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट मिल जाता है और आउट ऑफ द बॉक्स 10 W का चार्जर मिल जाएगा दोनों फ़ोन में। और ये दोनों फ़ोन में USB Type-C 2.0 देखने को मिल जाता है, USB Type-C दिया गया है। और ये दोनों फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो दोनों फ़ोन में 5.0 ब्लूटूथ वर्जन सपोर्ट मिल जाता है और दोनों फ़ोन में 4G सिम वोल्टेज मिल जाता है, दोनों फ़ोन में 4G सिम यूज़ कर सकते हैं। और ये दोनों फ़ोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो Redmi 8A फ़ोन में फेस अनलॉक दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो Redmi 8 फ़ोन तो इसमें फेस अनलॉक भी मिल जाता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है बैक साइड में कैमरा का नीचे। और ये दोनों फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ में आता है, लेकिन दोनों फ़ोन में जो बैक साइड में बॉडी दिया गया है प्लास्टिक का बॉडी मिलता है, कोई ग्लास का फिनिशिंग नहीं है और ये कोई ग्लास देखने को नहीं मिलता है। ग्लास फिनिशिंग दिया है लेकिन ग्लास नहीं मिलता है और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी नहीं है। फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है दोनों फ़ोन में। और ये दोनों फ़ोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो Redmi 8A फ़ोन ये फ्लिपकार्ट और Mi.com पर अवेलेबल है। और यहाँ पर बात करें तो Redmi 8 फ़ोन तो ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, 9 अक्टूबर को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और 9 अक्टूबर के बाद में ये अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों ये दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो Redmi 8A फ़ोन का जो बेस वारंट है इसका प्राइस है 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 6,499 rupees। और इसका जो हायर वारंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 6,999 rupees। और यहाँ पे बात करें तो Redmi 8 फ़ोन तो दोस्तों ये फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ तो इसका कंफर्म प्राइस भी पता नहीं है, तो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस में आ जाए या फिर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। अगर आप लोग ये फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही ये वीडियो देख रहे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कंफर्म प्राइस पता लग जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा कंफर्म प्राइस Redmi 8 फ़ोन का। तो यहाँ पे इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज ये आएगा 7,999 rupees पर। और यहाँ पे बात करें तो इसका हायर मिड वेरिएंट 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज ये आएगा 8,999 rupees पर। और यहाँ पे बात करें तो इसका हायर वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज ये आएगा 9,999 rupees पर। और हो सकता है इसका प्राइस 10,000 भी हो सकता है, 10,999 rupees, ये तो लॉन्च होने का बाद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स ये दोनों फ़ोन का। तो ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। दो तीन चीज़ों का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि Redmi 8 फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, डुअल रियर कैमरा मिल जाता है, ये दो चीज़ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा अपग्रेड किया जाए, ये कन्फर्म नहीं है, हो सकता है इसमें पावरफुल प्रोसेसर दिया जाए, ये तो लॉन्च होने का बाद ही पता चल जाएगा। तो ये तीन चीज़ अपग्रेड देखने को मिल सकता है Redmi 8 फ़ोन में। तो दोस्तों ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स ये दोनों फ़ोन का, Redmi 8 और Redmi 8A फ़ोन का। आपको दोस्तों कैसे लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अभी ये जो भी मैं डिटेल्स बताया हूँ ये फ़ोन लॉन्च होने से पहले ये वीडियो बनाया हूँ, लॉन्च होने से पहले ही बताया हूँ, हो सकता है लॉन्च होने के बाद में कुछ डिफरेंस हो सकता है, अगर ज़्यादा कुछ डिफरेंस हुआ तो मैं फिर से और एक वीडियो बना दूंगा Redmi 8A और Redmi 8 फ़ोन का। अगर ज़्यादा कुछ डिफरेंस हुआ तो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोग ये फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही ये वीडियो देख रहे तो ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो मैं वीडियो बना के वहाँ पे आई बटन पर डाल दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।